गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रेत पर कुछ लिखोगे एक लहर आएगी तो कुछ बचेगा नहीं, तुमने हमको पत्थर का दिल कह तो दिया पर हम पर लिखोगे तो कुछ मिटेगा नहीं। आइए इसी पंच लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन। और आज का मोटिवेशन स्टोरी जो डेडिकेट है एक ऐसी वीरांगना महिला को जिसने अपनी विल पावर के जरिए, अपने जज्बे के जरिए, अपने जुनून के जरिए एक इतिहास रच दिया, एक ऐसा इतिहास रच दिया जो इंडेलिबल है, अमिट है, लेकिन सिर्फ अपनी विल पावर के जरिए, अपने जज्बे के जरिए, अपने जुनून के जरिए। आइए डिस्कस करते हैं इस मोटिवेशन स्टोरी को जो आपकी जिंदगी में एक आग लगा देगी, आपकी जिंदगी को एक टर्निंग पॉइंट देगी, आपके करियर को एक उछाल देगी, आपके करियर को जेनिथ पर ले जाएगी। कहानी शुरू होती है, ये महिला जब दिल्ली से लखनऊ जा रही थी तो ट्रेन में इनके साथ एक हादसा होता है और इनके साथ कुछ गुंडे इनकी चैन को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, मगर ये गिव अप नहीं करती है, ये हार नहीं मानती है, ये उन गुंडों का, उन मवालियों का, उन हुलिगंस का प्रोटेस्ट करती है। इस प्रोटेस्टेशन के दौरान वो गुंडे इनको बाहर फेंक देते हैं और इनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, इनका जो है पैर इंजर्ड हो जाता है बुरी तरीके से, दोनों पैर, लेकिन फिर भी ये गिव अप नहीं करती है। ये वहां पर पूरी रात एज इट इज इंजरी में, इंजर्ड अवस्था में लेटी रहती है, कोई हेल्प नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये हार नहीं मानती है और अस्पताल में डॉक्टर्स के द्वारा बिना एनेस्थीसिया इनके पैर को एम्प्यूटेट कर दिया जाता है। एम्प्यूटेट होने के बावजूद ये जीवन को गिव अप नहीं करती है, हार नहीं मानती है, ये एक दृढ़ निश्चय करती है हॉस्पिटल में कि मुझे वो करना है जो पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है, या दुनिया के लिए हो ना हो मेरे लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मेरे दोनों पैर इंजर्ड हो चुके हैं, मेरे दोनों पैर खराब हो चुके हैं, इसलिए मेरे लिए तो असंभव है। लेकिन वो कहते हैं ना कि विल पावर यहाँ से क्रिएट होती है, कोई एम्प्यूटी है या अपाहिज है वो यहाँ से होता है, फिजिकली नहीं होता है। इसी कहानी को मोटिवेट करती है और ये दृढ़ निश्चय करती है कि मुझे एवरेस्ट को फतेह करना है। सब लोग इनकी मजाक उड़ाते हैं, सब लोग इनको मेक फन ऑफ करते हैं, लेकिन ये किसी के टॉन्ट को दिल से नहीं लगाती है, किसी के टॉन्ट को ये मन से नहीं लगाती है, ये अपने विल पावर पर अड़िग रहती है, ये अपने विल पावर पर कायम रहती है। और ये जब अक्षेत्रीपाल के पास जाती है तो वो कहती है तुम एवरेस्ट फतेह कर लिया है तुमने तुम्हारी विल पावर के जरिए, और इस महिला ने हार नहीं मानती है, गिव अप नहीं करती है, सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये अपने विल पावर के जरिए एवरेस्ट को फतेह कर देती है, एवरेस्ट को फतेह करती है। और वहां पर भी इनके साथ बहुत अच्छी, बहुत ही मोटिवेशन करने वाली घटना घटित होती है, इनके जो है ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है, लेकिन चेहरे पर एक विजय भाव था, चेहरे पर एक मुस्कान का भाव था, ये कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने असिस्टेंट को कहती है मेरा वीडियो बनाओ और ये वीडियो सरकार को दे देना, मेरी तो बहुत अबाउट टू नियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कहते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म और धर्म के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं, इसलिए भगवान ने उनका साथ दिया। वहां से ये पूरी तरह विजय प्राप्त करके लौटती है, वहां से ये पूरी तरीके से विजय को प्राप्त करके जोड़ती है, ऐसा इतिहास रचती है जो एक आम आदमी के लिए, एक हाड़ मास के बने इंसान के लिए टोटली असंभव था, टोटली इम्पॉसिबल था। और आज भी इनके दिल में पूरी तरीके से उड़ान भरने की क्षमता है। तो आप भी अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए, नए पंख दीजिए। इनका नाम था अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने इतिहास रचा। इस आयरन लेडी को, इस अमेजन को, इस वीरांगना महिला को हम सैल्यूट करते हैं, हम दिल से, तहे दिल से इनको सैल्यूट करते हैं और इंस्पायर्ड होते हैं इनकी इस लाइफ स्टोरी से कुछ इतिहास लिखने के लिए। अभी तो इस परिंदे का उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन, नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।